वफ बोर्ड तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। 31 रुकनी मुश्तरका कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल। ये कमेटी अगले सेशन के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक पेश करेगी रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन जल्द से जल्द इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर के आवाम तकरीबी ताकतों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ्फुज़ के लिए भारत का बड़ा कदम। वज़ीर दाखला अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सरहद की निगरानी के लिए एक कमेटी दी तश्कील। भारतीय शहरियों, हिंदुओं और दीगर अपनी बिरादरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को शराइत के साथ दी जमानत। सिसोदिया तकरीबन 18 माह तक जेल में रहे बंद। शराब पॉलिसी के मामले में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात का कर रहे हैं सामना। बीजेपी के दर्जे फहरिस्त व कबाइल के अराकीन पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वजीर आजम ने मेंबरान पार्लियामेंट को में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का दिया यकीन। आज से मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम हुई शुरू। वजीर आजम ने अपने डीपी में एक्स पर लगाया तिरंगा। हर किसी से की अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने की अपील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे न्यूजीलैंड के दौरान सिविल एजाजी तकरीब में की शिरकत। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात को करार दिया मजबूत। सफर के आखिरी मरहले में तैमूर लेक्से के लिए होंगी रवाना। पेरिस ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबादियों का तांता। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात करके उन्हें दी मुबारकबाद। आज अमन सहरावत से रेसलिंग में कांसे का तमगा मिलने की उम्मीद। विनेश फोगाट की चांदी का तमगा दिए जाने की अपील पर सालिसी अदालत बराए खेल का फैसला आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की एक 31 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने बताया कि इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन को कमेटी में शामिल किया गया है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक का वक्त दिया गया है, जो मुकर्रर वक्त में अपनी रिपोर्ट कमेटी को पेश करेगा। आई गिव नोटिस ऑफ माय इंटेंशन टू मूव द फॉलोइंग मोशन ड्यूरिंग द करंट सेशन ऑफ लोकसभा दैट द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बी रेफर्ड टू जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउसेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 21 मेंबर्स फ्रॉम दिस हाउस। सीरियल नंबर 1 श्री जगदम्बिका पाल, 2 डॉक्टर निशिकांत दुबे, 3 श्री तेजस्वी सूर्या, 4 श्रीमती अपिता सरंगी, 5 श्री संजय जायसवाल, 6 श्री दिलीप सिकिया, 7 श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, 8 श्रीमती पी के अरुणा, 9 श्री गौरव गोगोई, 10 श्री इमरान मसूद, 11 श्री मोहम्मद जावेद, 12 श्री मौलाना मोहिबुल्ला, 13 श्री कल्याण बैनर्जी, 14 श्री राजा, 15 श्री लावू कृष्ण देवरायलु, 16 श्री दिनेश्वर कमायत, 17 श्री अरविंद सावंत, 18 श्री मात्रे बालिया मामा सुरेश गोपीनाथ, 19 श्री नरेश गणपत मास्के, 20 श्री अरुण भारती, 21 श्री असाउद्दीन ओवैसी एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा।
that in order to constitute a sitting of the joint committee, quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That committee shall make a report to this house by the last day of the first week of the next session. वहीं वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर लोकसभा के कारगुजार स्पीकर जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आगे बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश में जारी सूरत हाल के पेश नज़र मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर मौजूदा सूरत हाल की निगरानी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी बांग्लादेश में अपने हम मनसब हुकाम के साथ मवासलाती जराए को बरकरार रखेगी, ताकि वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों, हिंदुओं और दीगर अकलती बिरादरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। कमेटी की सरबराही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड के ADG करेंगे। कमेटी के दीगर अरकान में इंस्पेक्टर जनरल BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर साउथ बंगाल, इंस्पेक्टर जनरल BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सेक्रेटरी LPAI शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की एक टीम जम्मू कश्मीर के दो रोजा दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्हूरियत को आगे बढ़ाया जाए और इंतखाबात कराए जाए। हम जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के आवाम तखरीबकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब JNK का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्ता यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि यकुम जुलाई 2024 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले शहरी अब वोटर बन सकते हैं और वो वोट डाल सकते हैं, और वोटर लिस्ट 20 अगस्त तक जारी की जाएगी। अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि JNK में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए, ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले, इस तरह का ना हो, सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट और साबिक वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे और मुल्क छोड़ने के बाद वहां हिंदुओं पर मजालिम की खबरें मुसलसल मंजरेआम पर आ रही हैं, और इस मामले में जहां PM मोदी को तशवीश है, तो वहीं कांग्रेस हिंदुओं और दीगर अकलतों के तई कितनी लापरवाह है, जो बात कल साफ नजर आई। दरहकीकत पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तशद्दुद के वाकयात और सियासी बहरान के दरमियान उबूरी हुकूमत तश्कील दी गई है। जब नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने कल
बांग्लादेश की बुरी हुकूमत में बतौर मुशीर आला अपनी कमान संभाली तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुबारकबाद दी और ये भी यकीन दिलाया कि वो भारत बांग्लादेश के आवाम के मुश्तरका मफादात हर मुमकिन मदद करेंगे। बांग्लादेश के साथ ही ये उम्मीद जाहिर की है कि उबूरी हुकूमत हिंदुओं और दीगर अकलतों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगी। और आइए एक बार आपको पीएम मोदी के ट्वीट पर डालते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी नेक ख्वाहिशात। हम हिंदुओं और दीगर बिरादरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए हालात के मामूल पर आने के मुंतजर हैं। अमन और इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए दोनों ममालिक के आवाम की मुश्तरका ख्वाहिशात की तकमील के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। जहां पीएम मोदी हिंदुओं और दीगर तमाम अकलती बिरादरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट पर आईन और जमहूरियत की बका के लिए बात करने वाली कांग्रेस की ऐसी कोई तश्वीश या दरख्वास्त नजर नहीं आई है। कायदे हिजबे इख्तलाफ राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हलफ उठाने पर मुबारकबाद। अमन और इस्तेहकाम और नासाजगार हालात की जल्द बहाली वक्त का अहम तकाजा है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं और दीगर अकलती बिरादरियों के हवाले से इस पोस्ट में कहीं से भी किसी किस्म की तश्वीश नजर नहीं आ रही है। और नई हुकूमत से कबल ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम पर सवाल उठाने का कोई इरादा रखते हैं। इन दोनों रहनुमाओं और बहन भाइयों ने अपने अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात पोस्ट नहीं की है। वहीं इसके बरअक्स राहुल गांधी की इस पोस्ट को देख लीजिए, जिसमें गजा जैसे मसाइल पर लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए उन्होंने एक लंबी पोस्ट की है और बताया है कि वहां के लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम पर खामोशी अख्तियार करने वाले राहुल गांधी की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा है के गजा में बच्चों समेत हजारों बेगुनाह शहरियों का कत्ल और लाखों लोगों की अशियाए खुर्दनी, पानी और बिजली मुनक़ता करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हमास के हाथों बेगुनाह इसराइलियों को यरगमाल बनाना एक जुर्म है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अब इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी गजा के लोगों के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी मजालिम पर एक लफ्ज भी नहीं लिख पाए हैं। जबकि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी गजा में हुई बमबारी की मजम्मत करते हुए एक तवील पोस्ट करते हुए सख्त अल्फाज में लिखा था कि तबाही की हिमायत करने वाली हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने लिखा था कि बैनुल अक्वामी बिरादरी जो इजाजत दी है वो तारीख में न सिर्फ बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। ये बनी नौ इस ना इंसान के लिए फैसला कुन मौकफ के तौर पर दर्ज होगी। प्रियंका गांधी ने नस्ल कुशी और हजारों मासूम बच्चों के वैश्याना कत्ल पर आंखें बंद करने के बारे में सख्त तबसरा किए थे और गजा के मसले पर मजम्मती अल्फाज में सख्त एहतजाज दर्ज कराने वाली प्रियंका गांधी ने एक लफ्ज भी बांग्लादेश के मसले पर नहीं कहा है। और लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट स्वामी सचिदानंद हरी साक्षी ने कांग्रेस की खामोशी की मजम्मत करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाई, लेकिन राहुल गांधी समेत पूरी ऑपोजिशन इस मामले पर खामोश है। बांग्लादेश में जो विध्वंसकारी गतिविधियां हो रही हैं और हिंदुओं के साथ में विभिन्न तरीके से अपमान, मान मर्दन, मर्यादाओं को तोड़ करके किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से इसमें संवेदनशील है। दुर्भाग्य से विपक्ष किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है जिसे बांग्लादेश के हिंदुओं की कतई चिंता नहीं, इसकी हम निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घपले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों
मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत में ताखिर की बुनियाद पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया तकरीबन 18 माह से जेल में थे। सिसोदिया के वकला ने जमानत की दरख्वास्त में दलील दी थी कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ केस की समाअत अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। बीजेपी के एससी एसटी मेंबराने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग में एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की फराहमी से मुतालिक है। ये अहम मीटिंग दर्जे फहरिस्त कबाइल रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का जुमरा शामिल करने पर हुई है। बीजेपी एमपी भोला सिंह ने बात कहा कि वजीर आजम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और यकीन दिलाया है कि दर्जे फहरिस्त और दर्जे फहरिस्त कबाइल में क्रीमी लेयर को फिक्स नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी एससी और एसटी वर्ग के माननीय सांसद मिले और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की व्यक्तिगत राय की एससी एसटी रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर के विषय में उनकी राय सुप्रीम कोर्ट की कुछ की किसी संदर्भ में आई थी, लेकिन समाज में विपक्षी लोग भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि ये सभी एससी एसटी पर लागू होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय है, किसी भी एससी एसटी व्यक्ति पर ये इसका लागू नहीं होगा। और हम प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को सुनकर उस पर संज्ञान लिया और सबको आश्वस्त किया कि किसी भी एससी एसटी भाई का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने एक राय कही है, प्रसंगवश राय दी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर हम क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं और हम उसको लागू नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एससी एसटी मेंबरान पार्लियामेंट के वफ़द से मुलाकात पर लिखा कि एससी एसटी मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफ़द ने मुलाकात की। एससी एसटी कम्युनिटीज की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए अपने अज़्म और अज़्म का इयादा किया। राज्यसभा में चेयरमैन और जया बच्चन के दरमियान आज लफ्जी जंग हुई। अमिताभ बच्चन का नाम कहने पर जया बच्चन नाराज हो गईं और इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की सरजनिश करते हुए कहा कि आप एक मशहूर शख्सियत हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुर्सी पर उंगलियां उठाएं। और इससे पहले भी एक दिन डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन कहा, जिस पर जया बच्चन ने एतराज दर्ज कराया था। जया जी, यू अर्नड a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, और जया बच्चन की ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ के सख्त लहजे पर सवाल उठाए।
जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। और चेयरमैन और जया बच्चन के साथ लफ्जी तकरार के बाद मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद जे पी नड्डा ने कहा कि जया बच्चन को माफ़ी मांगनी चाहिए। अपोजिशन के हंगामे पर कायदे ऐवान ने मजम्मती तहरीक पेश की। जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता रहा है। विपक्ष चर्चा के दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यसभा में इस वाक़े पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम आवाम के तई जवाब हैं। सदन केवल ईंट और गारों का नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। और स्किल डेवलपमेंट के वजीर मुमलिकत जयंत चौधरी ने जया बच्चन के मामले में ऐवान से ऑपोजिशन के वॉकआउट पर नाराजगी जाहिर की। सर, जिस पदभार को आप कर रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल कॉलीग्स एंड इवन फ्रेंड्स आउटसाइड दिस हाउस बट इट गोज अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ द हाउस टू रेफर टू समवन सिटिंग इन द चेयर एज अ कॉलीग। वी मस्ट ऑल अबाइड बाय डिसीजंस। जो भी आपका फैसला निर्णय होगा मैं अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। हमारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड की के ऑकलैंड में भारतीय कम्युनिटी से खिताब किया। उन्होंने हिंदुस्तानियों के दरमियान मौजूद होने को अपने लिए एजाज करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बिरादरी ने न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसाय से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक आपका योगदान अमूल्य रहा है। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पुणे आईएसआई मॉड्यूल के दहशतगर्द रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। ये दहशतगर्द एनआईए की फहरिस्त में शामिल था और इसके अलावा एनआईए ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान किया था। यौम आजादी की तकरीबात से कबल को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने लोगों को चौकन्ना करते हुए कई दहशतगर्दों के पोस्टर जारी किए थे।
यौम आज़ादी तकरीब है और हम पूरे फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक मौका है हर घर तिरंगा मुहिम का, जो आज से शुरू हो गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी DP बदलकर तिरंगा लगा दिया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे इस साल यौम आज़ादी करीब आ रही है, आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगे को एक यादगार अवामी तहरीक बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ही करें और हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें, और हाँ, अपनी सेल्फी जरूर शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर आज से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 2 सालों में हर घर तिरंगा तहरीक एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई है। मुल्क भर में लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा रहे हैं और अपनी सेल्फीज अपलोड कर रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी जी की अपील पर मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और सभी से अपील कर रहा हूं कि वो ऐसा ही करें और मुल्क के कोने कोने में आज़ादी के पैगाम को फैलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा बराए करम अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पर पोस्ट करना ना भूलें। से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली है। इनमें वज़ीर-ए-ख़ाजा डॉक्टर SJ शंकर भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साथी भारतीयों के साथ हर घर तिरंगा अवामी तहरीक में शामिल होने पर फख्र है। आइए अपने तिरंगे का जश्न मनाएं और अपनी सेल्फीज को harghartiranga.com पर शेयर करें। पढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से ओलंपिक में तमगा जीत लिया है। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे हैं। नीरज ने फाउल के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी कोशिश में अपने सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। हालांकि वो गोल्ड मेडल जीतने से महरूम रहे और इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 5वां और पहला चांदी का तमगा है। और खास बात यह है कि नीरज ने लगातार दूसरी में तमगा जीता है। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को जीत पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने और तारीख रकम करने पर नीरज चोपड़ा को दिली मुबारकबाद। वो लगातार 2 ओलंपिक खेलों में सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत को इस पर फख्र है। उनकी ये हुसूलियाबी आने वाली नस्लों को तहरीक देगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा मुस्तकबिल में मजीद तमगे और शान लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा उम्दगी की हकीकी मिसाल हैं। उन्होंने बार बार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर से ओलंपिक में कामयाब रहे हैं। चांदी का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। वो आने वाले लातादाद एथलीटों को उनके ख्वाबों को पूरा करने और हमारे मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने की तरकीब देते रहेंगे। ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत से आज कांसे के तमगे की उम्मीद है। अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम वजन जुमरे में कांसे के तमगे के लिए रिंग में उतरेंगे। अमन का मुकाबला पवार तू रिको के डारियान टोटी से होगा। और बुलेटिन में बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए।